सिद्रा हाईवे पे तो आज पूरा बमाल है यार, बमाल मचा हुआ है साइड। अभी हम सीधा निकलेंगे गुजरनगर वाली साइड से, आज नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिर कभी हम जाएंगे गुजरनगर से, तो आज वो दिन आ ही गया कि हम गुजरनगर से जाएंगे। सो गाइस, अगर आप इस साइड आते हो ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर ड्राइव वगैरह मतलब स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह किसी पे भी आ रहे हो, हेलमेट जरूर रखो सर पे, क्योंकि हाईवे यार, हाईवे का तो आपको मसला पता ही है कि क्या मसला होता है हाईवे का। तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि हेलमेट जरूर रखना, हेलमेट की वजह से हम हो चुके हैं अपने जम्मू सिटी में इंटर। तो वो जो पीछे था वो था जम्मू का हाईवे, हाईवे को तो अब कर दिया हमने पीछे, अब जाना है सिटी में। ओहो ब्रेकें, अभी अच्छा है कि मैंने अपनी स्कूटी की ब्रेकें वापस रिकवर करवा ली है अच्छे से। तो पहले तो आपको पता ही है दो बार काउंट हुआ अपनी स्कूटी का, ब्रेकों की वजह से हुआ ना। तो अब तो एक चीज़ मैं करूँगा यार, टाइम टू टाइम इसकी मैं सर्विस वगैरह और ब्रेकों पे, मेन चीज़ इसकी ब्रेकों पे मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। सो गाइस, ये रही अभी एम्बुलेंस। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, कभी भी अगर आपके आगे एम्बुलेंस चल रही है या आपके पीछे आ रही है अलार्म देते हुए, तो एम्बुलेंस को हमेशा साइड दे दो। मैं तो एक ही दुआ करता हूँ, जिस वक्त भी एम्बुलेंस मेरे पास से गुजरती है, जो भी इस एम्बुलेंस मैन है यार, वो सही सलामत अपने घर तक पहुँच जाए। तो हमेशा यार एम्बुलेंस को ना साइड देने की कोशिश करो, अगर हो सकता है तो उसकी हेल्प करो ट्रैफिक वगैरह में। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुजरनगर के ब्रिज पे, सामने देख रहे हो। ओहो, अभी हम कहाँ थे, दिख रहा है कुछ आपको? कहाँ थे भाई, नहीं दिख रहा ना आपको, दिखेगा ना मुझे दिखेगा। दे दो हमें भी साइड, हम भी निकल जाएं सीधा घर। देखो गाड़ी कहाँ से आ रही है, अपने ही रास्ते हैं लोगों के। थोड़ा पीछे ही रहो रोड से, बीच रोड में खड़े होके देख रहे हैं गाड़ियों को, अगर तो क्रॉस होना है तो हो जाओ, अगर नहीं होना है तो फिर थोड़ा पीछे हो जाओ, गाड़ियाँ जाने ही दो, अच्छा रहेगा। ओह चलो यार, देखो देखो फंस ना जाऊं मैं। मेरे आगे अभी चल रहे हैं अंकल, तो अंकल डर डर के चल रहे हैं, करो पास अंकल, जाने दो गाड़ियों को, हम अंकल को पास कर लेते हैं, कर लिया ले इधर, बंदे को पता भी गाड़ी आ रही है, बंदा जान के साइड ला रहा है। तो गाइस, किस साइड से निकलना चाहिए अभी, गुम्मट वाली साइड से है ना। ओ यहाँ तो सीधा पुलिस वाले हैं, और यहाँ पे नाका भी होगा फिर है ना। ओहो ये कहाँ से आ गई बाइक, आज तो सीधा यार ट्रैफिक क्रॉस करनी है आज हमें बुलेट वाले के साथ। इसपे नहीं अंकल, अंकल लिफ्ट मांग रहे हैं और मैंने सीधा इनकार कर दिया, नहीं अंकल। अब मैंने आपको पहले भी बताया, बंदे को देख के बंदे को लिफ्ट दो। ओ अंकल हमें इस साइड गाड़ी है, कहाँ लगा रहा साथ में, मुझे पता है मैं गलत ले रहा हूँ, कर लेंगे आगे इसको। गलती मेरी अपनी है यार, कि मतलब मैंने पुल के मतलब सोवाइज गलती मेरी अपनी थी कि मैंने ब्रिज के बिल्कुल साथ लगाया। सीधा निकलते हैं घर, आए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर में, क्या ही सीन है। तो हो अब यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा, मुझे पता है इन्वर्टर वाले ने एक दूसरे के पीछे गाड़ी लगा के रखनी है, तो हम निकल ही गए। निकलो निकलो, छोटी छोटी जगह देख के बीच में घुस जाओ। ओहो रुको यार, साइड दे दो या निकलने दे दो हमें।
सो गाइस रुकना पड़ रहा था यार, क्या करूँ, रुकना नहीं ना ज़्यादा क्योंकि टाइम कम है और ब्लॉग भी शूट करना है। आपको पता है मैं अपने कितने काम छोड़ के निकलता हूँ घर से ब्लॉग शूट करने के लिए। मतलब कुछ बंदे तो खाली ब्लॉग के लिए ही हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, उन कामों को मैं थोड़ी देर के लिए पीछे रखता हूँ और पहले मैं निकलता हूँ ब्लॉग के लिए। तो मेन मसला आपको पता ही है यार, क्या किए क्या क्या सीन रहता है ब्लॉग का भी, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड है अपने मोहल्ले में। पहुँच चुके हैं घर के बिल्कुल नज़दीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।